वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अलीगढ़ में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने वोटर्स से अपील करते हुए कहा कि जब कमल के निशान पर आप लोग बटन दबाएंगे तो यह वोट सीधा मोदी को जाएगा। एक तरफ फसल की कटाई का समय है, शादी ब्याह का समय है और गर्मी तो पूछे ही नहीं, सब कुछ है, लेकिन देश से बड़ा कुछ नहीं होता। देश का इतना बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है, हमें सब छोड़कर वोट करना है। सुबह सुबह वोट करने पहुंचिए, पीएम ने कहा कि अच्छे भविष्य की, विकसित भारत की चाबी भी आपके पास ही है। अब देश को गरीबी से पूरी तरह से मुक्त करने का समय आ गया है। अब देश को भ्रष्टाचार से पूरी तरह मुक्त कराने का समय आ गया है। अब देश को परिवारवादी राजनीति से मुक्त कराने का समय आ गया है। इसके लिए जरूरी है फिर एक बार मोदी सरकार। पीएम ने कहा कि जो नए वोटर्स हैं उन्हें तो याद भी नहीं होगा, वो तब शायद 5 या 10 साल के होंगे। अपने घर परिवार में पूछे उस समय अखबार और टीवी एडवर्टाइजमेंट क्या आता था। कहीं भी कोई लावारिस चीज दिखाई दे तो उसे छूना नहीं, कहीं कुकर टिफिन दिखाई दे तो पुलिस को जानकारी देना, आए दिन ऐसी सूचना दी जाती थी। मेरे फर्स्ट टाइम वोटर्स तब बहुत छोटे थे, उन्हें बता दे कि तब लावारिस चीजों में बम रखे जाते थे, लेकिन अब यह मोदी योगी का कमाल है कि सब कुछ बंद हो गया है। अलीगढ़ की जनता को, हाथरस के मेरे भाई बहनों को फिर एक बार प्रार्थना करने आया हूं, आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। और मेरी आपसे प्रार्थना यह है कि अच्छे भविष्य की, विकसित भारत की चाबी भी आप ही के पास है। अब देश को गरीबी से पूरी तरह से मुक्त करने का समय आ गया है। अब देश को भ्रष्टाचार से पूरी तरह मुक्त कराने का समय आ गया है। अब देश को परिवारवादी राजनीति से मुक्त कराने का समय आ गया है। और इसके लिए जरूरी है फिर एक बार